ओमिक्रॉन खतरे को लेकर दिल्ली वालों के लिए बड़ी खबर देख लीजिए। बीते 6 महीने में कोरोना में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना के 125 नए मरीज सामने देखने को मिले हैं, 58 मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जारी किया आदेश, हर बीमार में से चौथा बीमार दिल्ली का है और उसमें भी जो दक्षिणी दिल्ली है वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसलिए प्लीज प्लीज अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली से होकर गुजरे हैं या दिल्ली आपको आना जाना पड़ता है, तो इन बातों को बहुत गंभीरता से देखिएगा, इन खबरों को बहुत संजीदगी से देखिएगा और जो जरूरी एहतियात है वो बरतिएगा। अब इसको भी जरा समझ लेते हैं अंशुमान, ये एक जगह से दूसरी जगह लोगों के बिहेवियर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर लोगों से अपीलें, अब तक आदतें पड़ गई हैं या हम हर बार वही कहते हैं कि हम जुलाई से पढ़ाई शुरू कर देंगे और फिर वही प्रवेश पत्र आने तक हम ढीले ही पड़े रहते हैं? अंशुमान आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? ये मैं अभी बात कर रहा हूं डॉक्टर अंशुमान से, मेरी बात हो चुकी है। मैं क्या अपने एडिटर न्यूज 9 उनसे बातचीत कर रहा हूं, मनी 9 के एडिटर, उनको आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ अंशुमान तिवारी जी, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। हाँ प्लीज प्लीज सर, सवाल मेरा आप सुन चुके हैं, प्लीज उसका जवाब। अंशुमान तिवारी प्लीज देखिए, इंश्योर कीजिए कि उनको मेरी आवाज जाए। मैं इसको लेकर अब जाना चाहता हूं डॉक्टर उज्जवल पारिक के पास, पल्मोनोलॉजिस्ट। डॉक्टर उज्जवल, कोई पैटर्न, कोई संकेत, कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं या अभी आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं? सर देखिए, संकेत तो हमारे को हमेशा बाहर से, हिंदुस्तान के बाहर से आते हैं, ये किस तरीके से आ रहा है और किस तरीके से तेजी से बढ़ रहा है। वायरस बाहर से ही आ रहा है, ये वायरस पहले भी बाहर से आया था और इसका नया वेरिएंट भी बाहर से ही आ रहा है, तो हमारे को बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी होगी कि ये इंडिया के अंदर जिस तरीके से एंटर कर रहा है वहाँ वहाँ हम चेक करें। दूसरा, जब भी केसेस बढ़ने लगेंगे तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल ये भी बाहर से ही आएगा, उसी से ही होगा, अब ये अंदर भी होगा, अंदर भी फैलेगा और अंदर भी लोग आपस में एक दूसरे में मिल रहे हैं तो उनमें भी तेज़ी से फैलेगा। और ये हम सब ने इसके बारे में समझ लिया है, इतने दिनों से मीडिया हमारे को पढ़ा भी रहा है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इससे पहले कि हम होश संभालें, ये लाखों लोगों में हो चुका होगा। right. और मैं ये मानता हूँ कि अब जैसी जितनी हमारे पास फिगर आ रही है केसेस, हमारे पास एक्चुअली उससे कहीं ज्यादा होंगे, बहुत सारे पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक घूम रहे होंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम जरूरत की, जब हमें जरूरत हो तभी हम बाहर निकलें, तभी हम भीड़भाड़ वाले इलाके में जाएं, मास्क हमेशा पहन के रहें, जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं उतना करें। डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही है उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण छिपी हुई है, मैं चाहता नहीं कि वो कहीं खो जाए, इसलिए अपने दर्शकों के लिए दोहरा देता हूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर उज्जवल पारिख ये कह रहे हैं कि देखिए, इस तरह के वायरस के म्यूटेंट्स के बारे में आपको अमूमन बाहर से पता चलता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर वायरस होता है, बॉडी के अंदर ही उसको म्यूटेट करने का मौका मिलता है, तो यहां रहते हुए ये ओमिक्रॉन हो सकता है कोई एक नया वेरिएंट बना दे, इसलिए कम से कम लोगों के शरीर में कम से कम देर तक रहे, उसी में हमारे समाज की भलाई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।